This video is brought to you by Brighto Paints. अगर क्योंकि इंडिया से खेल रहे थे तो ज्यादा मतलब है जोश और वलवला था कि अब मैंने हीरो बनना है, अब मेरा मौका है। ये हमसे ज्यादा आपको पता है। हाँ, नहीं मुझे पता है, मगर मैं आजकल मॉडर्न नहीं, रमेश भी क्या वैसी स्पिरिट है जैसे हम खेलते थे? देखिए रमेश भी, टू बी ऑनेस्ट, इंडिया के मैच का प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन ये नहीं था कि रन करने हैं, हीरो बनना है, क्योंकि हर मैच में अगर वो श्रीलंका अगेंस्ट खेला हूँ या इंग्लैंड अगेंस्ट, अभी कह रहा है कि मैंने दुआएं ली हैं, सोचा कुछ करना है, अभी कह रहा है मैंने नहीं, वो तो सही है, वो तो मतलब एक, लेकिन अपना एक माइंड होता है, वो तो अम्मी वगैरह का जो उनसे बात हुई, लेकिन इस मैच का इतने ज़्यादा वो था नहीं, लेकिन जब मैंने शो किया है वो मुझे एक बॉल भी लगी थी यहाँ पे जो मुझे नॉर्मली लग रही थी वहाँ पे, लेकिन उसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैं इतना ज़्यादा जिस तरह ये लोग इन्जॉय कर रहे थे, जैसे नहीं मना रहे थे, मैं साइड पर खड़ा हुआ था। मुझे मैनेजर साहब ने बोला कि फ़खर तुझे याद नहीं है तूने जो कर दिया आज, इंजॉय करो। तो वो फिर उधर मुझे आइडिया हो गया कि यार ये कुछ ना कुछ तो अलग ही हुआ। और जो अच्छी बात थी उस इनिंग्स की वो थी कि जिस तरह से स्पिन पे हमला किया, मतलब है एक ओपनर को तो नए बॉल पे अच्छा खेलना ही चाहिए, मगर कई हमारे ओपनर्स ऐसे हैं जो कि स्पिनर पे फंस जाते हैं या उस तरह से छक्के नहीं मारते। अच्छी भली ओवल की ऐसी नहीं थी कि T20 की बाउंड्री थी, बहुत बड़ी बाउंड्री, नेवी की तरफ से खेलता रहा, कराची में स्पिन ही खेलता रहा है। कराची के प्लेयर है, लेकिन उस मैच की बात ये थी कि जैसे ही अजहर भाई आउट हुए ना, तो उन्होंने और अटैक कर दिया, स्पिनर पे मिड ऑफ को ऊपर बुला लिया, अश्विन पे भी ना अटैकिंग फील्ड ले ली, तो एक ही अश्विन से नहीं घबराया हो रहा था। पहले ओवर में था मुझे कि यार ऐसा ना हो ये इसका ब्रेक हो जाएगा या कैरम बॉल जो करता है, और लेकिन एक दो ओवर खेला हूँ तो वो विकेट ऐसी थी कि उसको उस पे स्पिनर्स को उस तरह का वो नहीं मिल रहा था रिस्पॉन्स नहीं, तो फिर थोड़ा सा इजी हो रहा था। अच्छा, आप भी पहले से प्री जज करके जाते हैं? इनकी तो फिलोसफी मुझे समझ आ गई है कि आउट हो जाए तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है नया दिन शुरू हो जाएगा फिर कर लेंगे, इस स्पिरिट से भी क्रिकेट खेली जाती है और एक इंटेंस तरह से भी क्रिकेट खेली जाती है कि मैंने फेल नहीं होना और जब मैं फेल हो गया तो फिर मैं उस पर 5 दिन लगाऊं और उसके ऊपर काम करूं। आप किस तरफ को बेंड करते हैं, आप हार्ड वर्क को तरजीह देते हैं या लक को देते हैं या ईजी को लकी हैं कि आज अगर बॉलिंग अच्छी नहीं तो कल हो जाएगी, कल नहीं हुई तो परसों हो जाएगी? अब आप इनसे कितने मुख्तलिफ हैं अगर आप हैं तो, और मुझसे कितने मैं तो ऐसे बिल्कुल नहीं भाई, मेरा अगर मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ ना तो बाहर बैठे मेरा होता है थोड़ा सा कि वैसे बैटिंग में तो इनसे इंस्पायर होना चाहिए आपको, नहीं बैटिंग में आपको बता रहा हूँ शायद मिक्स हो जाए मेरे साथ अभी बैंग से खेल के, आप मतलब आपने बड़ा गया तो भी बता दे रही है। बैटिंग करने जाता हूँ ना तो बाहर जब बातें हो रही होती है ना तो पता चलता है अंदर ये बॉलर लगा या ये बॉलर लगा है। जब बैटिंग करने जाता हूँ ना, यकीन करें रमेश भाई, जब मैं जाके पिच पे अपना चांस लेता हूँ मुझे नहीं पता होता कौन सा बॉलर लगा कौन सा नहीं लगा, मैं रेपुटेशन पे नहीं खेलता, बस मैं कहता हूँ आओ बॉल करो, अगर मेरी रेंज में हुई तो मैंने मारना है, जो मर्जी है आगे। आप अभी देखा होगा मैं आउट भी बड़ी बार हुआ हूँ न्यूजीलैंड में, जित 150 पे कर रहा था, लेकिन काफ़ी फिर राजू भाई ने समझाया कि बॉलर के साथ कुछ सिचुएशन ऐसे थे कि मैच नहीं डालना चाहिए, वो अंदर जा भी समझाता है सिर्फ राजू भाई समझाते हैं, राजू भाई काफ़ी समझाते हैं क्योंकि समझ आती है भाई। यही मैं कहना। और बॉलिंग में, बॉलिंग में ये है कि बॉलिंग में मैं बैट्समैन को सामने रखते हैं या अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं? स्ट्रेंथ पे करता हूँ कि मैं अपनी स्ट्रेंथ पे करूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ पे सही कर रहा हूँ ना, बैट्समैन जो भी है जैसे भी खेल रहा है, मैं अपनी स्ट्रेंथ पे बच जाऊँगा, बॉलिंग अपनी अच्छी करूँगा, आउट भी कर जाऊँगा। अगर मैं बैट्समैन को देख के करूँगा ना कि ये बैट्समैन इधर अच्छा खेल रहा है, मैं अपनी स्ट्रेंथ से थोड़ा सा हटूँगा, फिर बॉलिंग अच्छी नहीं होती। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ से ही बॉलिंग करूँ, लेकिन मेरी कप्तानी में मेरे अगेंस्ट एक दफ़ा आए ये और पहली पहली बॉल पे आउट कर दिया, देखने से मेरी रेंज में बोल दिया, चाहे वो गेंद ऐसे करके आई थी मैंने मार दी लेफ्ट आर्म स्पिन, नहीं 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 पास बोला था लेकिन ऐसे मैंने पास बॉलर को बोला कि इसको पहला बॉल बाउंसर मारना क्योंकि ये छोड़ता ही नहीं बाउंसर, यहाँ का अच्छा मारता है, मैंने उसको बोला इसको इसके सर के ऊपर ही करना, वो सर के ऊपर से नहीं गया, मैं पहले छोड़ने लगा वो ऐसे आ गया, पहली बॉल पे आउट कर दिया। आपकी लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी आजकल तो अच्छी चल रही है? आजकल नहीं अच्छी चल रही है। आजकल नहीं क्या मार रहे हो तुम? आजकल इनकी सब की स्लिप पे लगा रहा हूं। आजकल ये है कि नहीं नहीं आजकल ये है कि ट्रेनिंग काफी कर लेता था, बैटिंग करके फिर आगे बस ऐसे गेंद फेंक रहा था। इतना दौड़ाते थे कि और ऊपर से 3 ओवर का तो अच्छा, आप ट्रेनिंग के हिसाब से आप 10 में से अपने आप को कितने नंबर देते हैं? जो ट्रेनिंग कराते हैं और जितने आप उसमें
इन्वॉल्व रहते हैं उसमें अपने आप को कितने नंबर देंगे आप? मैं तो कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से अपनी तरफ अपनी तरफ, लेकिन वो ये है कि जब आधा सेशन होता है उसके बाद 10 में से एक नंबर आधा सेशन मतलब कितना, आधा घंटा? नहीं नहीं नहीं, अभी जैसे आज था पहला सेशन, हाँ, तो 4 घंटे का सेशन, 4 घंटे का, 4 घंटे में तो शुरू में तो आप कर लेंगे, लेकिन और मेरी फिर पहले में नॉर्मल वार्म अप था, फिर दूसरे में मैंने बॉलिंग की, और बॉलिंग भी कितनी घंटे तो बॉलिंग की होगी, 45 मिनट। अब मेरा जो स्टेमिना है वो 2-3 ओवर का है और 1 घंटा। अच्छा मुझे ये बताएं जी, जो नई पौधा आप जैसे बच्चे हैं जो है, ये ट्रेनिंग पे कितनी तवज्जो देते हैं, और आप में ये बात अंदर समा गई है कि इसके बगैर, फिटनेस के बगैर सर्वाइवल नहीं है? ऐसे ही है बिल्कुल, अभी हम जितने भी हैं ना, फिटनेस टेस्ट पास करना लाजमी है, बल्कि कोशिश करते हैं कि जितना करते हैं नेक्स्ट टाइम उससे ज़्यादा करें, और ट्रेनिंग अपना, क्योंकि अब जो पाकिस्तान टीम का ट्रेंड बन रहा है ना, ट्रेनिंग करोगे फिट रहोगे तो टीमें रहोगे, परफॉर्मेंस चाहे जो मर्जी दो, कोशिश करते हैं कि अपनी फिटनेस को दिन ब दिन इम्प्रूव करते रहें। और जिस तरह हमारे जो ट्रेनर है वो जिस तरह मतलब हमें प्लान्स देते हैं ट्रेनिंग के, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान टीम में आया तो मैंने कभी जिम नहीं किया था, रन दौड़ता ही था, फौजी था, दौड़ते ही था, नॉर्मल पीटी करते रहते, लेकिन जब यहाँ पे आया और यहाँ पे देखा कि यार ये जिम, पहले दिन जब जिम गया वेस्ट इंडीज में यकीन करें मुझसे चला नहीं जाए, मैदान में तो जिम था, मैंने लड़कों से बोला यार ये भी होता है, लूडन के पास गया, मेरा यार अगर मुझे सही बात बता, मर्दान में जिम है नहीं और इधर कोई अंदर जाने नहीं देता, चल भाई बाहर जा, नहीं जिम वगैरह है लेकिन मैं भी गया नहीं, माशाल्लाह सुपरस्टार बन गया तो लोग कहते हैं आजो भाई, पहले नहीं आने दे, पहले चल भाई चले, वो तो जो भी है मैंने मैंने लूडन को बोला यार लूडन इससे अच्छा लूडो खेलो, लूडन मेरे साथ, मैंने बोला यार अगर मुझे मैच खिलाना ना तो उससे 3 दिन पहले आप कोचेस से बात कर ले, मुझे बता दे ताकि मैं ना जिम करूं और मैं स्विमिंग से ना अपने आप को बोल लूं, मुझे चला नहीं जा रहा, यकीन कर रमीज भाई जाता था ना एक टांग इधर यूं, मतलब कि बस किसी ने मेरे तो ना कुछ बेहतर हालात नहीं, नहीं अभी तो अल्लाह का शुक्र है अभी तो कुछ भी करा ले कोई मसला नहीं, वो फिर जब टूर्नामेंट ख़त्म हुआ वहाँ पे तो लूडन से मैंने अपना प्रोग्राम लिया, उस पर फिर काम किया, तो अभी तो कोई वो नहीं है, अभी तो अल्लाह का शुक्र है साल हो गया उस बात को, लेकिन साल पहले की दोनों माशाल्लाह से फिट। ये डाइट के ऊपर भी कंट्रोल है, ये कितना मुश्किल काम है एक पाकिस्तानी के लिए, क्योंकि तो हम तो जिंदा ही डाइट के ऊपर हैं, हम तो चावल रोटी पूरियां हलवे, मुश्किल तो बहुत है डाइट पे कंट्रोल करना, लेकिन अब ये है कि अब पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, हमारी तो इज्जत बाद में आएगी, पाकिस्तान के हमारे घर वालों की इज्जत का सवाल है, फिर हमारी इज्जत है, तो इसके लिए कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि फिटनेस बड़ी इंप्रूव करनी पड़ती है ना, फिर अगर डाइट का ख्याल नहीं रखें तो ट्रेनिंग का भी कोई फायदा नहीं, तो इस वजह से पहले से काफ़ी डाइट चेंज कर लिया, जो क्या क्या चेंज किया ये भी बताया ना, मैं जो मजा जो पहले जो मर्जी खाता था शौक से खाता था, वो सारी चीज़ें ऑयली चीज़ें छोड़ दी हैं अब बहुत कम कर दिया, कि चावल भी बहुत कम खा रहे हैं, तो बस यही दिन में 2-3 प्लेट खा लेते हैं, ये कम कर दिया, अब तो वैसे भी मेरी खुराक पहले से कम हो गया, क्योंकि इतने थके होते हैं खा ही नहीं सकते। अच्छा फेवरेट क्रिकेट की डेस्टिनेशन कौन सी है, कौन सी जगह आपको पसंद आई है? अभी तक कार्डिफ बहुत पसंद है। कार्डिफ अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। वेस्ट इंडीज नहीं? वेस्ट इंडीज में बारबाडोस बहुत अच्छा है। अच्छा बीचेस आप क्या बीच लाइफ पसंद करते हैं या नहीं? बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि नेवी में रही वहाँ पे यार बीच मतलब वहाँ पे ये है कि आप स्विमिंग भी कर मतलब स्विमिंग तो आपको पता है नेवी में तो आपको स्विमिंग नहीं आती, आप कर ही नहीं सकते, लेकिन बारबाडोस का ये था कि एक तो वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे जो साफ सुथरी एनवायरनमेंट है बिल्कुल। अच्छा आपस में यारी दोस्तियाँ जो हैं वो ये पक्की हैं जब बाहर होते हैं? ये कानापूसी मना है क्या कह रहे हैं? नहीं वो माइक लगा हुआ आगे हो गया बात वो बात कर रहा है रोटी ग्रुप रोटी दोस्ती काफ़ी अच्छी बनी हुई है ना, तो सबको पता है शौकर हसन शदाब नवाज जो हमारा चीफ है शनवारी और मैं, ये रोटी ग्रुप है। अच्छा तो बस ये हम लोग खाना खाने साथ जाते हैं। अच्छा साथ जाते तो ग्रुप
तो क्या आज कोई लड़ाई नहीं होती कि मुझे ये पसंद है तो मैं ये खाऊंगा तो उसको वो पसंद है? हमारे ग्रुप में सिर्फ एक बंदा ऐसा है, वो कौन है? ये बैठा हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत है, ये वो सुनवारी तो अभी आया ना बेचारा, पहले शुरू से हमारे ग्रुप में यही है ना, न्यूजीलैंड। नहीं नहीं, मैं नवाज को, हमारा जो नवाज, हमने उसे चीख मराया हुआ है। वो बंदा भी ऐसा जोली सा बंदा है, तो इसको जैसे हमारे इधर पॉलिटिक्स में नहीं आया, ये सीट पे क्यों बैठ गया? ये ऐसा करता है, इसको हटाओ। मैं सीरियस, मैं उसको तंग करने के लिए ना कभी कहता हूँ यार, ऑर्डर खुद दे देता हूँ, इनको बोलता हूँ जरा इसको बोलना कि यार इसने क्या कर दिया। तो वो नवाज बहुत प्यारा बंदा है ना, तो वो ऐसी खूबसूरत बात ये करता है कि मतलब उसके बगैर फिर टाइम ही नहीं गुजरता। जब अभी जैसे वो नहीं होगा टेस्ट में तो यकीन करें बहुत मिस करेंगे। तो शिनवारी तो ज़्यादा टैक्सिंग है, उसको लोबिया दे दो वो खुश है। लोबिया भी हंसेगा तो लेना भी छोड़े, लोबिया उसने आपको ऐसी बोल दिया, वो उसको आप भले कुछ भी दे दें। नहीं तो ये माहौल से ही चैंपियंस बनते हैं, और ये दोस्तियां जो है ये मैं उम्मीद यही करता हूँ कि क्रिकेट के बाद भी चलती रहें, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं रहा, क्योंकि हम सिर्फ 9 से 5 तक ही दोस्ती हमारी बहुत सारे लोगों की रही, काश हम उसके बाद भी लेके चले जाते तो बहुत अच्छा होता। तो मेरा ये मशवरा यही है कि ये बॉन्ड जो है ये क्रिकेट के बाद भी ऐसा ही रहना चाहिए। सो फाइनली बस यही मैं कहूँगा कि आपकी अपने से क्या उम्मीद है, ये जो टूर आ रहा है क्या करके दिखाना चाह रहे हैं हमें इस दफ़ा आप फ़खर? देखिए मिस भी सारे लोग कह रहे हैं कि एक चैलेंज है आप लोगों के लिए, डेब्यू सीरीज है मतलब टेस्ट की, और है भी इंग्लैंड में, तो अपनी तरफ से ये है कि जितनी हम लोग तैयारी कर सकते हैं वो करेंगे, और क्योंकि हम लोग काफ़ी पहले जा रहे हैं, और ये कि इंशाल्लाह अपना 100% देंगे और अपने मुल्क के लिए ये सीरीज जीतने के लिए। और बाकी आपको पता है क्रिकेट है, तो क्रिकेट में तो उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि अब मैं अपनी डेब्यू सीरीज़ को यादगार बनाऊँ। बिल्कुल। और आप? बिल्कुल रमीज़ भाई, पहली बार टेस्ट टीम में नाम आया है, ड्रीम होता है इंसान का कि मैं टेस्ट प्लेयर बनूँ, तो अपनी तरफ से तो 100% कोशिश करेंगे मैच जीतने की, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देने की, अपना डेब्यू सीरीज सारी अच्छी करने की, और पाकिस्तान का नाम ऊंचा करने की। बाकी हम मुसलमान हैं, अल्लाह पाक पे यकीन है, बाकी अल्लाह पाक से छोड़ देंगे, अपना तो 100% देना है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया फखर, बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट टूर के लिए। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय ब्राइटो पेंट्स।